नमस्कार, जय हिंद। भारत तक को नए रंग रूप में देख रहे हैं आप। उम्मीद करते हैं भारत तक का आपको ये नया रंग रूप पसंद आ रहा होगा। बात करेंगे पाकिस्तान की, कुलभूषण जाधव की। बड़ी खबर है, पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव के मामले में आखिरकार झुकना पड़ गया है। भारत जो बात लगातार कह रहा था, आखिरकार पाकिस्तान को भारत की बात माननी पड़ी है वाया इंटरनेशनल कोर्ट, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि कुलभूषण जाधव के मामले में उन्हें अपील करने की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसके लिए पहले पाकिस्तान तैयार नहीं था। लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान को मानना पड़ा है, झुकना पड़ा है इस अदालत के फैसले को लेकर। क्या बदलाव हुआ है कानून में और कुलभूषण जाधव का जो मामला है अब क्या हो रहा है उसमें, ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के मुताबिक अपील करने का अधिकार देने के लिए संसद के संयुक्त सत्र में एक विधेयक पारित किया है। इससे पहले कोर्ट ने पाकिस्तान को बिना देरी के भारत को राजनयिक पहुंच मुहैया कराने को भी कहा था। भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुना दी थी। इसके बाद भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट का रुख किया और पाकिस्तान द्वारा राजनयिक पहुंच नहीं दिए जाने और मौत की सजा को चुनौती दी गई। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने जुलाई 2019 में दिए फैसले में कहा कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को दोषी ठहराने के फैसले और सजा को ही प्रभावी तरीके से समीक्षा और पुनर्विचार करे। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान को बिना देरी के भारत को राजनयिक पहुंच भी मुहैया कराने को कहा था। ICJ ने अपने फैसले में कहा था कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को सैन्य अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने की उचित मंच मुहैया कराए। हालांकि पाकिस्तान का इस पूरे मामले में अब तक धुलमुल रवैया रहा है। वो राजनयिक पहुंच देने में भी काफ़ी आनाकानी करता रहा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और लगातार भारत इस मामले में पाकिस्तान को एक्सपोज करता रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान ने जो है विधेयक पारित करके ये तय किया है कि कुलभूषण जाधव को फैसले को चुनौती देने के लिए मौका दिया जाएगा। कुलभूषण जाधव जो हैं वो भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अफसर रह चुके हैं। उनका जन्म 1970 में महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। कुलभूषण को मार्च 2016 को पाकिस्तानी सेना ने पाक के बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया था। पाक ने जो कहानी पेश की वो ये कि कुलभूषण भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कर्मचारी हैं और उन्हें जासूसी करते हुए पकड़ लिया गया। हालांकि भारत ने इसे सिरे से खारिज किया था और कहा था कि इन्हें बलूचिस्तान से नहीं बल्कि ईरान से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद भारत ने कुलभूषण जाधव को भारतीय नागरिक माना, लेकिन जासूसी के तमाम आरोप भारत ने पहले दिन से खारिज किए हैं। और PTI की जो रिपोर्ट है कुलभूषण जाधव को लेकर, उसको अगर माने तो कुलभूषण जाधव जो है वो ईरान में कारोबार करते थे। 30 मार्च 2016 को भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कहा था कि कुलभूषण ईरान में कानूनी तरीके से अपना कारोबार चला रहे थे और भारतीय विदेश मंत्रालय ने कुलभूषण जाधव की अपहरण की आशंका जताई थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने उन्हें जासूस करार देते हुए गिरफ्तार किया था और फिर मनमाने तरीके से सैन्य अदालत में फैसला सुना दिया गया था। और फिर बाद में सैन्य अदालत में पाकिस्तान ने मनमाने तरीके से उन्हें मौत की सजा तक सुना दी थी। लेकिन अब जब भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट में इस मामले को लेकर चुनौती दी थी, पाकिस्तान की मनमानियों को एक्सपोज किया था, उसके बाद अब जाकर पाकिस्तान को भारत कि जो अपील थी और जो पक्ष में भारत के फैसला आया था उसको मानना पड़ा है। अब इस मामले में आगे जो भी बड़े अपडेट्स होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान का इस मामले में झुकना भारत के लिए, कुलभूषण जाधव के लिए एक अच्छी खबर है, एक बड़ी खबर है।